देखो मैं आप ही और अम्मी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकता। आप ही इस घर की बड़ी बेटी हैं। उनकी शादी के बाद भी इस घर का हर फैसला उनकी मर्जी से हुआ है और हमेशा होता रहेगा। और इस घर में बाकी जो लोग हैं उनकी हैसियत क्या है वो भी बता दो। सबकी अपनी जगह है, पर आप ही हम सबसे ज्यादा अहम है हमेशा, है ना? हाँ हाँ, आप ही सबसे ज्यादा अहम है हमेशा। मगर रावी को जिस गौहर का खौफ है, वो गौहर तो कब की मर चुकी है। मैंने खुद को बहुत बदल लिया है। जैसे बच्चों को भूतों का खौफ होता है, वैसे तुम्हें गौहर का खौफ। कब खत्म होगा? सो जाओ ना, भी बहुत देर हो रही है। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। कल थोड़े तेज लहजे में बात कर ली थी, आई एम सॉरी। हसन भी गुस्से में पता नहीं क्या कह जाता होगा, आप उससे भी नाराज हैं क्या? हसन की बात और है। क्या मतलब? आप मुझे गैर समझती हैं क्या? मैं कोई गलती नहीं कर सकती। देखो मैं तुम्हारी हर गलती बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम गौहर को बुरा कहोगी तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आंटी अगर आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं आप ही को कुछ बुरा कहूँ, तो आपको ये भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए जब आप ही मेरे बारे में बुरी बातें करते हैं। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही ना आंटी? लेकिन गौहर गलत हो ही नहीं सकती बेटा। मुझे तो समझ नहीं आता कि आप ही की हर गलती को प्रमोट क्यों करती हैं, क्यों डरती हैं आप हमसे? इसलिए कि वो दिल की बुरी नहीं है, मैं जानती हूँ। हाँ भले ही दिल की बुरी ना हो, लेकिन जब वो बात करती है तो सामने वाले को दुख पहुंचाती है। देखो तुम अब भी उसी पे इल्जाम लगा रही हो। मैं आप ही के बारे में बात करने नहीं आई, मेरा कंसर्न आपसे। आप हसन की अम्मी हैं और मेरे लिए सबसे ज्यादा मोहतरम। आपको दुख देकर मैं सुकून से नहीं रह सकती, लेकिन बेहतर यही होगा अगर आप ही हमारे बीच में ना आए। देखिए मैं आपको, हसन को और साकिब भाई को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ आप साकिब भाई की वजह से कितनी परेशान हैं, बस इसीलिए उनका घर बसाने की कोशिश कर रही थी। हाँ बेटा ठीक कह रही हो तुम। अच्छा ये बताओ कि वो रमशा ने जो उम्मीद दिलाई थी कि वो अफशा को मना लेगी, तो क्या कोई जवाब आया वहाँ से? जवाब तो नहीं आया, लेकिन जल्द आ जाएगा, और अगर ना भी आए तो हम साकिब भाई के लिए कोई और लड़की देख लेंगे। लेकिन बेटा देखभाल के, बहुत छानबीन करके। जी आंटी। चाय आंटी। थैंक यू सईद। अच्छा वो हसन चला गया क्या? जी आंटी, आपसे मिलने आया था दोबारा, पर मुझे कह के गया है कि मेरी अम्मी का बहुत ख्याल रखना। ये लड़का भी बहुत लापरवाह है, दूसरों पर अपनी जिम्मेदारियां डाल देता है। आंटी मैं और वो अलग थोड़ी हैं। हाँ, अच्छा ये बताओ कि डॉक्टर के पास कब जाना है तुमने? क्यों परेशान हो रावी? मैं हर दफा तुम्हें यही समझाता हूं कि गौहर की वजह से तुम्हारे दिल में जो खौफ और अंदेशे हैं उन्हें निकाल दो। मैं सिर्फ तुम्हारा शौहर हूं। मैं भी बगैर किसी खौफ और अंदेशे की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, लेकिन लेकिन क्या? गौहर की मौजूदगी में मैं कभी खुश नहीं रह सकती। देखो तुम जैसा चाहती हो ना, मैं भी वैसा ही चाहता हूँ। गौहर को निकालना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन बस वो अम्मी की वजह से मजबूर। ये मेरा घर है, लेकिन फिर भी मुझे एहसास दिलवाया जाता है जैसे ये मेरा घर नहीं है। इसलिए कि तुम कमजोर हो रावी, तुम्हें मजबूत बनना होगा। अपने कदम जमाओ, यहां पर सबको बता दो कि यह घर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। क्या हुआ? कोई है बाहर? कोई नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है। अपने आप को बदलो रावी,
तुम्हें बहादुर बनना पड़ेगा गौहर से ज्यादा। मैं गौहर जैसी कभी नहीं बन सकती। तुम जैसी भी हो मुझे वैसे ही अच्छी लगती। बस जब तुम परेशान होती हो तो मैं भी बहुत परेशान हो जाता, टूट जाता हूँ। अगर आप टूट जाएंगे तो मैं बिखर जाऊंगी। सिर्फ आप ही मेरा सहारा है यहाँ पर। आपकी वजह से सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ मैं। बस तो फिर परेशान नहीं होना। यार वहां अफशा मना कर रही है और यहाँ साकिब भाई इनकार कर रहे हैं। भाई तो क्या करें, पीछे हट जाएं, रहने दे उनको अपने हाल पे। मेरा तो यही ख्याल है। आप होंगी पीछे हटने वालों में से, मैं नहीं हूँ। मुझे नहीं देखी जाती भाई अफशा ऐसे, उसकी हेल्प करना मेरा फर्ज है यार। हाँ तो अफशा भी तो साफ इनकार कर रही है ना। ओ कम ऑन यार, तुम्हें याद है हाई स्कूल में जब किसी को हेल्प चाहिए होती थी सबसे आगे आप भागा करती थी। क्या हो गया यार तुम्हें? यार शाज़िब मैं अब मुझे अब और नहीं सुनो। अगर साकिब और अफशा की कोई शादी करा सकता है ना तो सिर्फ आप मैं या रमशा हैं और कोई नहीं। अच्छा ना बस अब जिद तो मत करो, कर लेंगे भाई। मैं ऐसा ही, चल चिप्स खा। पता नहीं कहां से इतना टाइम मिल जाता है इस फजूल आदमी को। यही सबसे ज्यादा अच्छा इलाज है जी। आप फिक्र नहीं करें, जब आपको जान कौन आदमी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है। पता नहीं अभी तो तुमने कहा कोई आदमी है। महीनों से तंग कर फजूल किस्म के मैसेजेस करता रहता है। हो सकता है कोई अच्छा इंसान हो, एक बार बात करके देखो। अच्छा आदमी होता तो इस तरह की हरकतें करता यार। ये भी तो हो सकता है ना, उससे तो मैं कहीं देखा हो, तुम पे दिल हार गया। और बस मन करो, मैं पहले ही जॉब की वजह से इतनी टेंशन में, ऊपर से तुम। यार तुम खुद को समझती क्या हो रमशा? रमशा क्या, तुम्हारा जब दिल चाहा तुम्हें जब गुस्सा आया तुमने उठाया और डांट दिया। उस वक्त गुस्सा आता है जब तुम इस तरह। हाँ, जिस वक्त मैं तुम्हारी शादी की बात करती हूँ ना। हाँ उस वक्त गुस्सा आता है जिस वक्त तुम। तो ठीक है मेरे साथ बैठना छोड़ दो, मैं तो जब बैठूंगी यही बात करूंगी। लेकिन रमशा इस तरह सर, ये जहांगीर एंड कंपनी ने अपने पार्टनरशिप के क्लेम का लीगल नोटिस भेजा है। अपने हक के लिए लड़ा हूं तो मुकम्मल जीत तक तो लड़ूंगा ना। अरे बेटा कुछ भी बना लो, तुम्हें तो पता ही है मैं सब कुछ खा लेती हूँ, नखरे तो करती नहीं खाने में। अभी जूस ला दूँ आपको? नहीं बेटा अभी जूस पीने का मूड नहीं है, तुम मेरे पास बैठो। जब अचानक गौहर आ गई थी तुम्हारी तरह मैं भी बहुत डर गई थी। मुझे लग रहा था बात बात पे झगड़े होंगे, मोहल्ले वाले सुनेंगे, लेकिन देखो ऐसा कुछ नहीं है। इंसान कब तक अपने आप को छुपा सकता, और वो भी गौहर जैसी औरत जो बात बात पे आपे से बाहर हो जाती थी। कुछ हार सी गई है। गौहर को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ आंटी, वो कभी किसी से दबकर नहीं रह सकती, और जैसा हमें दिख रहा है वैसा है नहीं, बात कुछ और है। खुद को क्यों वहम में डालती हो बेटा, अच्छी जिंदगी के अच्छे वक्त को बड़े बड़े अंदेशों की नजर मत करो, अच्छे वक्त को दिल से मनाओ। लेकिन गौहर नहीं चाहती कि मैं जहांगीर के साथ अच्छा वक्त गुजारूं। बेटा वो सिर्फ तुम्हारा शौहर तो नहीं है ना, गौहर का भी, लेकिन वो गौहर की कोई बात नहीं मानता, तुम्हारी परवाह भी करता है और तुम्हारी हर बात भी मानता है, पर
जिंदगी में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, होता रहा है बेटा। मैंने सौकनों को दुश्मनों की तरह लड़ते भी देखा है और बहनों की तरह प्यार मोहब्बत से रहते भी देखा है। गौहर की तरफ से तुम्हारे दिल में जो मैल है, तुम उसको साफ करके तो देखो। मैंने गौहर से कहा था कि अपने घर वालों को दावत पे बुलाए, उसने नहीं बुलाया। ये तो उसकी समझदारी थी ना, तुम्हारी वजह से नहीं बुलाया। बेटा सोचा करो ये छोटी छोटी बातों को, खुद ब खुद दिल में जगह बन जाएगी। भाई फर्रा, मुझे इसके अलावा तो और कुछ समझ में नहीं आ रहा। रमशार अपनी एंगेजमेंट की खुशी में एक और पार्टी रख लेते हैं, उसमें अफशा ऑब्वियसली आएगी, और तो अपने घर वालों को भी ले आना। नहीं यार, साकिब भाई के पास इतना वक्त ही नहीं होता कि किसी पार्टी में शिरकत करें। यार वो क्या करें, कैसे मिलाएं दोनों को? आइडिया, हम एक काम करते हैं, मैं मूवी की टिकट ले लेता हूँ, ठीक है? और तुम अपने भाई को लेके पहुंच जाना। नहीं यार, भाई कभी नहीं मानेंगे और अफशा भी कभी नहीं मानेगी। तो क्या करूं, तुम दोनों कोशिश भी तो नहीं कर रही हो। तुम ऐसा करो और सोचो, जब मुझे कुछ बेहतर लगेगा ना तब मैं कोशिश करूंगी। अभी तो मैं वेट कर रही हूँ कि तुम कोई ढंग का आइडिया दोगे। राबी। अरे आंटी, आपको कोई काम था तो आप मुझे बता देती ना, मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। मैं दिल से मानती हूँ कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें बहुत सारी खूबियां हैं, बल्कि वो खूबियां तो गौहर में भी नहीं है। आप तो सब कुछ जानती हैं, फिर भी आप गौहर की साइड लेती हैं। बेटा जब तुम खुद को मेरी जगह पर लाकर सोचोगी ना तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकोगी। जहांगीर मेरी इकलौती औलाद है, मेरी जिंदगी का सरमाया है वो। उसके सुकून के लिए मैं अपनी जिंदगी भी वार सकती हूँ उस पर। या आपको बहुत लंबी जिंदगी दे आंटी, और इंशाल्लाह आप जहांगीर की सारी खुशियां देगी। बेटा ये उसी वक्त मुमकिन है जब इस घर में सुकून हो और मेरा बेटा मुतमईन हो। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से जहांगीर को कोई तकलीफ ना हो, मगर बेटा कभी कभी वो तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। मैं मानती हूँ तुम उसकी बीवी हो, ये तुम्हारा घर है, गौहर भी उसकी बीवी है, उसके निकाह में, और इस घर में उसका भी उतना ही हक है, उतना ही हिस्सा है जितना तुम्हारा। बेटा ये मान लो कि तुम दोनों जहांगीर की बीवियां हो और तुम दोनों का बराबर हिस्सा है इस घर में। जी जीती रहो बेटा, खुश रहो। कोई काम हो तो मुझे भी बताओ। नहीं, सारा काम हो गया, आप जाके बस अपने कमरे में आराम। जी We'll be right back.
बेटा? मामा राबी मामी कह रही हैं मैंने उनके पर्स से पैसे चोरी किए हैं। अरे मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगा रही है? मैंने तो उनके पर्स को हाथ भी नहीं लगाया था, मैं तो यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। खामखाई में मेरे बेटे को खौफजदा करके कहना चाह रही कि मेरा बेटा चोर है, मैं जानती हूँ मेरा बेटा चोर नहीं है। चलो तुम मेरे कमरे में चलो। ये तो नाराज हो, फिर बात कर रही हो मुझसे? प्लीज एक छोड़ दो। तुम छोड़ दो ना। रमशा मुझे कुछ टाइम दो सोचने के लिए। पक्का? सच में? मैं भी आई दो मिनट में, ठीक है? हाँ उमर। गौहर बात कर रही हूँ, फौरन घर वापस पहुंचो। घर? क्या हुआ है गौहर? जहांगीर जैसा मैं कह रही हूँ वैसे करो, घर वापस आओ। हेलो, मामा जब मैंने कोई चोरी की नहीं है तो आपने बाबा को क्यों कॉल करी? अच्छा है बाबा को पता चले कि राबी झूठ बोल रही है। लेकिन बाबा तो मुझे ही डांटेंगे ना, मार भी सकते हैं। ना बाबा डांटेंगे और ना मारेंगे, बस तुम खामोश रहना। अच्छा उन्हें पता चले कि राबी इल्जाम लगा रही है तुम पर। बच्चा इतनी आसानी से इतना साफ साफ झूठ बोल गया। हेलो। हेलो, हाँ क्या हुआ है राबी? कुछ नहीं, बाहर का फोन आया था कि फौरन घर पहुंचो। उन्होंने आपको फोन कर दिया? मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है? आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा।
जो कुछ भी हुआ है इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। लेकिन तुम गौहर से माफी मांग लो। सोया है नसीबा रब्बा ऐसी है जुदाई वे। Come in. पहले भी आया था, कहाँ थे, कहीं गए हुए थे क्या? हाँ आप उस दिन जहांगीर से मिलने गए थे ना, क्या बात हुई थी आपकी? तुम क्यों पूछ रहे हो? कोर्ट से लेटर आया, जहांगीर ने पार्टनरशिप खुद कैंसिल कर दिया। ऐसी क्या बात हुई थी वहां? वो सब छोड़ो, ये देख हमारी फैक्ट्री के लिए नई मशीनरी ले रहा हूं, देखो। कुछ पर तो वैसे ही इस घर में सांसें तंग कर दी गई है, मगर मेरे मासूम बेटे का क्या कसूर है जो उसको इस तरह शर्मिंदा किया जा रहा है? जो होना था ना वो हो गया, अब खत्म करें इस बात को। रावी ने इस तरह उमर का हाथ पकड़कर मेरे सामने ला खड़ा किया, उस पर चोरी का इल्जाम लगाया, उसे इस कदर शर्मिंदा किया, और आप कह रहे हैं कि बात खत्म कर दो? लगता है आपको भी रावी की बात पर यकीन है। अगर ऐसा है तो ये लीजिए काट दीजिए इसका हाथ। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? जहांगीर मैं अपने ऊपर तो सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, मगर अगर मेरे बेटे पर जरा सी आंच भी आई ना तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप में तो बहुत हौसला है, आप सब कुछ सह सकते हैं। मैं यही समझूंगी कि मेरा बेटा बेसहारा यतीम है, बाप की घर की छत के नीचे रहते हुए भी बेसहारा है। मैं अपने बेटे की खातिर इस घर में वापस आई थी, अगर इसे यही सब कुछ देखना है तो बेहतर है कि मैं वापस चली जाऊं। उमर पर चोरी का इल्जाम, अगर कोई जलते अंगारों पर खड़ा होकर भी ये बात कहेगा तो मैं यकीन नहीं करूंगी। यकीन मैंने भी नहीं किया रावी की बात पर, और उसे बता दिया कि मैं अपने बेटे के लिए भी कोई बात नहीं सुनूंगा। हैरत है, इतना समझाने के बावजूद उसने वही हरकत की। रहने दीजिए अम्मी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आइए चलिए। सबने मुझे गलत समझा, दोनों की नजरों में मैं ही गिर गई हूं। लेकिन जहांगीर तो मुझे जानते हैं ना, उन्हें पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी, मेरी बात सुननी चाहिए थी। मुझे भी गौहर की तरह मजबूत रहकर बात करनी चाहिए। क्यों डर जाती हूँ, क्यों सच्चाई नहीं बता पाई, क्यों? बाबा मुझसे बहुत डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है बेटा? छोटी मामा से। आप वहां गए क्यों थे? मेरी गेम बंद हो गई थी, मैं चार्जर लेने गया था। क्या मुझे आपके रूम में नहीं जाना चाहिए? नहीं, जा सकते हो तुम, जिस वक्त चाहे जा सकते। जब आप होंगे ना तब जाऊंगा, जब छोटी मामा अकेली होंगी ना तो नहीं जाऊंगा। अच्छा चलो भूल जाओ उस बात को। ये बताओ गेम कौन सा चाहिए? वो जो मैंने आपको बताई थी ना,
जो मेरे दोस्त के पास है वो वाली और इससे भी बड़ी रिमोट कंट्रोल का। ठीक है मैं ला दूंगा, मुझे याद है वो पिक्चर मेरे फोन में। जहांगीर बैठो, मुझे तुमसे बात करो। बेटा मुझे डर और खौफ तो गौहर से था, लेकिन ये तो राबी कर रही है। इतनी बड़ी बात उसने सिर्फ गौहर का दिल दुखाने के लिए की। नहीं, हो सकता है ऐसा ना हो। मैं माँ हूँ, अपनी औलाद को अच्छी तरह समझती हूँ। गौहर भी अपने बेटे को अच्छी तरह जानती है। सोचो जरा उसकी जिंदगी में किस चीज की कमी। उमर को हर चीज मिलती है, सुबह वो अच्छे से अच्छा लंच बनाकर देती है, खिलौने कपड़े कुछ भी तो कमी नहीं है उसके पास, ना यहाँ ना वहां। रामी ने सिर्फ गौहर का दिल दुखाने के लिए ही बात की। राबी से कहो गौहर से माफी मांगे। ये छोटी बात नहीं है, और कल को इससे बड़ी बात ना हो इसलिए ये जरूरी है। समझाओ राबी। राबी, जो कुछ भी हुआ है इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। लेकिन तुम गौहर से माफी मांग लो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात से एग्री करूंगा? मैं यहाँ उमर की वजह से। मेरी खुदारी ने कभी ये गवारा नहीं किया कि मेरे बेटे का खर्चा कोई और उठाए। अभी खड़े खड़े तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा जो तुमने मेरे बेटे पर खर्च किए थे। मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते में जो दरार पड़ गई वो उमर के दिल में नफरत बनकर आ गई। ना तो पहले मेरा कुछ कर सकते थे और ना आप कर सकते। छोड़ दिया मैंने तुम्हें, माफ किया। जाओ। बेटा
सॉरी गौहर, प्लीज मुझे माफ कर दे। बस गौहर, किस मुंह से माफी मांग रही हो तुम? अगर आइंदा तुमने मेरे बेटे पे इल्जाम लगाया तो तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूंगी। क्या हो गया भाई, क्यों इतने खामोश हो? मैं शर्मिंदा हूँ। किस बात पर, क्या किया है तुमने? वही तो, मैंने कुछ भी नहीं किया और छोटी मामा ने आपके और बाबा के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। अरे बेटा, उनको गलत फहमी हुई है। तुम्हारे बाबा और मुझे यकीन है कि तुम चोरी कर ही नहीं सकते। है ना, मेरी क्लास की टीचर कहती है चोरी करना बहुत बुरी बात है। हाँ बेटा, वो तो बहुत अच्छा समझाती है आपको। पता है दादी, एक दफा है ना, हमारी क्लास का बच्चा है ना, दूसरे बच्चे का गेम चोरी कर रहा था। फिर मैंने ना टीचर को बता दिया, वो मुझसे बहुत खुश हुई थी। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। और मैं तो बच्चों को बताता हूँ कि चोरी करना बहुत बुरी बात है, मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? अरे भूल जाओ बेटा, मैं जानती हूँ मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। आज मेरे पास आओ। बच्चा, राबी ने बहुत बुरा किया, कितना परेशान है मेरा बच्चा। अच्छा ये तो बताओ, कल स्कूल है तुम्हारा? अभी तो शुरुआत है रावी बेगम। बस थोड़ा सा वक्त लगेगा तुम्हें उखाड़ फेंकने में। जहांगीर, आपके लिए ये प्रेस कर दो सुबह के लिए। हाँ कुछ भी कर दो।
क्या मतलब कुछ भी कर दो, इस तरह बात तो मत करें ना मुझसे, ठीक से बात करें। राबी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। बाबा ने मुझे प्रॉमिस किया है वो मुझे रिमोट कंट्रोल कार दिला के देंगे। अच्छा आ जाए बाबा आ जाए। क्या हुआ उमर, सोए नहीं तुम अभी तक, इतनी देर हो गई? नहीं आज मैं मामा के पास सोऊंगा। अच्छा ठीक है सो जाओ, लेकिन फौरन वरना सुबह आंख नहीं खुलेगी। आप भी यहाँ पे सोए ना। मैं कमरे में सोऊंगा। बाबा प्लीज प्लीज। सॉरी आज शायद कुछ डिस्टर्ब है इसलिए बहुत जिद कर रहा है। आप यहीं सो जाइए, मैं उमर के कमरे में चली जाती हूँ। नहीं आप वहां पे नहीं जाएंगी, आप यहीं पे सोएंगी। उमर क्या हो गया है? तुम्हें पता है मैं रात को बहुत देर से सोती हूँ, नींद की गोलियां खाती हूँ। तुम्हारे बाबा की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, उन्हें सुबह ऑफिस जाना होता है। अच्छा अच्छा ठीक है चलो तुम सो तो सही। बाबा पहले आप मुझे ये बताएं, आप मुझे रिमोट कंट्रोल कार दिलाएंगे ना? हाँ दिला दूंगा, लेकिन पढ़ाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा? नहीं होगा। चलो बस बातें बंद, फौरन सो जाओ। चलो शाबाश, बस आंखें बंद।